नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूक्रेन और दिल्ली दंगों की कवरेज पर टीवी चैनलों को सख्त हिदायत। केंद्र ने झूठे दावे और अस्वीकार भाषा के प्रयोग से बचने को कहा। जम्मू कश्मीर के पल्ली से पंचायतों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 24 अप्रैल को 20,000 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आत्मघाती हमलावरों की बढ़ती संख्या को लेकर सुरक्षा बल सतर्क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने पीएम मोदी से की मुलाकात। उज्जैन में महाकाल परिसर को लोकार्पित करने का दिया न्योता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह की जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल। गृहमंत्री अमित शाह ने वीर बाबू कुंवर सिंह को किया नमन। कहा, आजादी के दीवानों की स्मृति को रखना है जीवंत। भोजपुरी में शाह की मौजूदगी में फहराए गए 77,700 तिरंगे। बिहार ने तोड़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड। ड्रोन कैमरे से हुई रिकॉर्डिंग। बोइंग डिफेंस के सीईओ से मुलाकात में सीतारमण ने एमआरओ पर की चर्चा। वित्त मंत्री ने अमेरिकी कंपनियों को दिया भारत आने का न्योता। राजद की इफ्तार दावत में नीतीश के शामिल होने पर बोले तेज प्रताप। का बिहार में खेला होबे, सरकार बनाने के लिए हुई सीक्रेट बात। आर्थिक संकट और महंगाई से श्रीलंका में और खराब हो रहे हालात। भारत और विश्व बैंक मिलकर देंगे 15,000 करोड़ की मदद। रक्षा क्षेत्र में भारत रूस संबंधों पर एक बार फिर अमेरिका की नजर। पेंटागन बोला, रूस पर निर्भरता हतोत्साहित करने वाली। अतिक्रमण विरोधी अभियान पर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। का जहांगीरपुरी में गुंडों पर किया गया बुलडोजर का इस्तेमाल। आज सोनिया गांधी से मिल सकते हैं पाटीदार नेता नरेश पटेल। गुजरात विधानसभा चुनाव में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जंग के बीच अपने सैनिकों को अब पूर्वी यूक्रेन भेज रहा रूस। औद्योगिक गढ़ पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों में संघर्ष शुरू। हथियार देने वाले देशों को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दिया धन्यवाद। का रूस को यूक्रेन छोड़ने के लिए कर देंगे मजबूर। यूक्रेन पर हमले के बाद भी G20 समूह में बना रहेगा रूस। सभी सदस्य देशों में सहमति न बनना बना सबसे बड़ा कारण। 31 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। कोरोना प्रबंधन के मामले में भी लूट चुका है बाबाई। देश में एक बार फिर तेजी से पैर पसारने लगा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में आए 2,527 नए मामले। 33 लोगों की गई जान। कोरोना से रोज हो रही मौतों के मामले में फिर टॉप 20 में भारत। एक हफ्ते में 4 गुना से ज्यादा की हुई बढ़ोतरी। बढ़ती महंगाई और एफडी की घटती ब्याज दर पर बोले राहुल गांधी। कहा, पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने कमाई को किया ध्वस्त। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने लिया यू-टर्न। एक दिन पहले भगवंत मान को कहा कठपुतली, अब की तारीफ। राजस्थान स्थित अलवर के राजगढ़ पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। मंदिर तोड़े जाने की घटना का प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगा रिपोर्ट। प्रयागराज सामूहिक हत्याकांड में बहु बेटी से दुराचार की आशंका। अवैध संबंध के एंगल से भी जांच कर रही है पुलिस। हिमाचल के कांगड़ा में अरविंद केजरीवाल ने रैली को किया संबोधित। का भाजपा और कांग्रेस की वजह से आज यहां बहुत समस्याएं। जहांगीरपुरी बवाल में रिमांड पर सोनू चिकना ने खोले कई राज। कहा, फरार होने की थी तैयारी, करीबी से लेने पहुंचा था पैसा। बंगाल की राजधानी कोलकाता में पुलिस ने बड़ी साजिश को किया नाकाम। ऑटो से 19 क्रूड बम, हथियार और गोलियां की बरामद। 30 अप्रैल को दिल्ली दौरे पर पीएम मोदी से मिल सकती है ममता। प्रधानमंत्री के सामने उठा सकती है जीएसटी और मनरेगा फंड का मुद्दा। सीबीएसई ने पाठ्यक्रम से इस्लामी साम्राज्य का हटाया अध्याय। इतिहास विषय के छात्र नहीं पढ़ेंगे शीत युद्ध और फैज की नजमें। संबल के असमोली में हेपेटाइटिस सी से संक्रमित मिले 129 लोग। प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हुए सक्रिय। अमेरिका ने रूस को साजो सामान देने के खिलाफ चीन को किया आगाह। उप विदेश मंत्री शर्मन ने गलत सूचनाओं को दोहराने का लगाया आरोप। अरबों का घोटाला करने के मामले में गोबे बाइक कंपनी पर कार्रवाई। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मुख्यकर्ता धरता कुणाल सेना को किया गिरफ्तार। सहस बांध से सपा विधायक ब्रजेश यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। आचार संहिता उल्लंघन मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। शाहजहांपुर में 5 शराब माफियाओं ने किया आत्मसमर्पण। हाथों में पोस्टर लेकर कहा सीएम योगी की नीतियों से हैं प्रभावित। खरगोन में पुलिस अधीक्षक पर गोली चलाने का आरोपी गिरफ्तार। प्रशासन ने शनिवार को लगातार 9 घंटे के लिए कर्फ्यू में दी ढील। गुजरात में प्रश्न पत्रों की चोरी के बाद 7वीं के 2 विषयों की परीक्षा रद्द। अब 29-30 अप्रैल को होगी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा। राजस्थान में मंदिर ध्वस्तीकरण को लेकर बीप ने दी चेतावनी। विनोद बंसल बोले राजस्थान की जनता कांग्रेस की निकालेगी शव यात्रा। आयुष क्षेत्र में 9,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की कंपनियां। 3 दिवसीय सम्मेलन में 70 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हुए हस्ताक्षर। मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से नवनीत राणा ने लिया यू-टर्न। बोली उद्धव के आवास पर नहीं करेंगे पाठ, मकसद हुआ पूरा।
यूपी की चंदौली में नकली नोट की मशीन लेकर घूमता रहा गिरोह। जहां खपाना होता था वहीं करता था प्रिंट। 12 लाख की नकदी बरामद। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में योगी सरकार। डिप्टी सीएम केशव बोले, अब एक देश एक कानून की जरूरत। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में आई 42% की कमी। 5 अगस्त 2019 से 26 जनवरी 2022 तक 439 दहशतगर्द हुए ढेर। यूपी बोर्ड परीक्षा की कापियों का शुरू हुआ मूल्यांकन। 15 से 18 मई तक परीक्षा पे परिणाम घोषित कर सकता है बोर्ड। बाल आयोग ने पाक्सो प्रकारशाला आयोजित करने के दिए निर्देश। निजी और सरकारी स्कूलों के मुख्य द्वार पर लगेंगे आरटीई नियमों के बोर्ड। अक्षय तृतीया यानी 3 मई को खुलेंगे गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट। 4 धाम यात्रा में इस बार जारी किया जा रहा है क्यूआर कोड। हरियाणा के थर्मल प्लांटों में बिजली का पूरा उत्पादन ना होने से दिक्कत। झाड़ली प्लांट की एक यूनिट में आई तकनीकी खराबी। आवासीय विद्यालय का सीएम भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण। बोले, अभिव्यक्ति की आजादी के साथ नागरिकों के भी हैं कर्तव्य। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बिजनौर। बोले, माफियाओं की अवैध संपत्ति पर चलता रहेगा बुलडोजर। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को हिंदू शक्ति दल ने दी धमकी। राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने आपत्तिजनक शब्दों का किया प्रयोग। कन्नौज में सपा के भूमाफियाओं की अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव से खाली कराया 10 बीघे का अवैध कब्जा। आईपीएल में गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। केकेआर के खिलाफ 20 ओवर में 9 विकेट पर बनाए 156 रन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।